Always remember to forget the things that made you sad. But never forget to remember the things that made you glad. Always remember to forget the friends that proved untrue. But never forget to remember those that have stuck by you. Always remember to forget the troubles that passed away. But never forget to remember the blessings that come each day. कहने को तो ये बच्चे की क्लास की पोएम है, लेकिन हमें भी इसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अपना लीजिए और जो बुरी यादें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन्हें भूल जाइए या भूलने की कोशिश कीजिए। राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठंड में अच्छे से मतलब स्वस्थ होंगे, क्योंकि ठंड के कारण तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी है। मेरी तो इतना ज्यादा है ना कि मतलब बता नहीं सकते। देख सकते हैं कैसा हाल हो रखा है, तेल भी डाले हुए हैं क्योंकि हेडेक तो जा ही नहीं रहा है। ठंड में मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, तो सिर में हमेशा ही दर्द रह रहा है और नहीं नहाइए तो मन नहीं मानता है, तो डेली नहाना ही है। तो नहा वहा के इनर स्वेटर सब कुछ पहने हुए उसके बावजूद इतनी ठंड लग रही है। तो फिलहाल तो हम है किचन में और ये सोचे थोड़ी सी गर्म पकौड़ी, गले में खराश भी इतना हो रहा है ना, थोड़ा गर्म पकौड़ी बनाया जाए। इसमें खड़े मूंग का है, खड़ा मूंग पीस कर उसमें प्याज और ये हरा लहसुन और ये सब मसाले हैं इसको भी मिक्स करेंगे। कढ़ाई चढ़ाए हैं, कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसको फिलहाल ऑफ कर दिए हैं। अभी फिर उसको तेल डालेंगे, ऑन करेंगे। और फिलहाल हम लोगों ने तो पालक वाली दाल पी है सबने, ईशान भी आज पिया है। ईशान तो सुबह में पराठा भी खाया था। हमें ही थोड़ी लेट हो जाती है ना, माँ का और मेरा थोड़ा सा हो जाता है। और उसके बाद फिर अभी हम लोग गर्म गर्म पकौड़े खा लेंगे। तो सोच रहे थे कि क्या दो दिन, आज तीसरा दिन है शायद, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हो नहीं पा रहा है ना। मतलब आपके सिर में जब दर्द रहेगा ना, हेडेक रहेगा, तो कुछ भी करने का मन नहीं होगा। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर होती है, तो आप आराम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। अभी भी मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर लेट जाऊँ, ऐसा मन हो रहा है। फिर भी करना है ना, माँ है बाबू है तो दोनों के लिए करना ही है। बाहर भी जाना था, कुछ काम था, बाहर का भी सामान लाने थे, लेकिन बाहर तो निकलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है। बालकनी में अगर ले चल के दिखाऊं तो इतनी ठंड है ना बाहर, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा है ना कि मेरे साथ ठंड में मेरी तबीयत खराब होनी ही होनी है। हमेशा हर साल का यही है, गर्मी तो बीत जाता है लेकिन ठंड में मेरी तबीयत अक्सर खराब होती है। तो अब तो खैर अपना ख्याल खुद ही रखना है, खुद ही अपना भी रखना है और माँ का बाबू का भी रखना है, तो यही है। और सोचे कि चलो कम से कम ये मैसेज ही दे दे कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसी वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे फ्रेंड्स के यहाँ विजिट भी नहीं हो पा रहा है, मतलब एलवी वगैरह या वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि देखूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना आप मोबाइल देखिए तो और हेडेक बढ़ जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम है अभी लगा हुआ है। देखिए कब ये ठंड खत्म होती है तो कब मेरी ये समस्याओं से मुझे मुक्ति मिलती है। फिलहाल तो हम ये बना लें क्योंकि माँ को भी वेट करना पड़ रहा है, तो बना के गरम गरम पकौड़े माँ को दे दें। ईशान तो खाएगा, ईशान खा लेगा, ईशान का माँ का निकाल देंगे तो इसमें दो तीन हरी मिर्च डालेंगे तो फिर हम खाएंगे। तो यहाँ ईशान के लिए भी बना दिए हैं, लेकिन ईशान अभी खाने ही नहीं बोल रहा है, तो खिलाएंगे ही क्योंकि गर्म ही अच्छा लगेगा। और हम अपने लिए भी डाले हुए हैं, और साथ ही माँ बोली कि उसी में एक रोटी दे देने के लिए, क्योंकि फिर बाद में मन नहीं होता है ठंड में, वैसे भी जल्दी जल्दी खाने का मन नहीं होता है। तो रोटी भी बना लिए हैं और सुबह तो बनाए ही थे भुजिया वगैरह ये सब और चटनी, तो हो गया काम कंप्लीट आज का। बस अब खाना है और खा के आराम करना है। तो आज तो बस इतना ही मैसेज ही देना था कि तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत है, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है ना। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर कल एक अगले न्यू ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।